नमस्कार, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। एक अपडेट आई है, क्या है पूरा मामला जानते हैं जानकार से। जी हाँ बताएं। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान का जो बालाकोट इलाका है, जहां पर साल 2019 में भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और कई सारे आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को नष्ट किया था, वहां पर फिर से आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो है वो शुरू हो गए हैं। इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। 40 सेकंड के इस वीडियो में कई सारे आतंकी जो है वो भारत विरोधी नारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भला बुरा कहा जा रहा है और साथ ही भारत के खिलाफ जो है बेहद खतरनाक भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। क्या कुछ इस वीडियो में आप खुद देखें, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में जो शख्स मौजूद है, बताया ये जा रहा है कि वो मसूद अजहर का भाई मौलाना अब्दुल रऊफ अजहर है और खबर ये भी है कि उसे ही इस पूरे ऑपरेशन की कमान सौंपी गई है कि वो भारत के खिलाफ किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे। और वहाँ पर मौजूद आतंकवादियों में से ही किसी ने ये वीडियो जो है वो बनाया है, जिसमें कई सारे आतंकवादी जो है कई खतरनाक हथियारों के साथ टहलते हुए भी देखे जा रहे हैं। खुद पहले पूरा वीडियो देखिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि बालाकोट का बताया जा रहा है ये वीडियो जो है, इसे लेकर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। क्या भारत सरकार एक बार फिर से बालाकोट में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? क्योंकि आपको याद होगा जब पुलवामा हमला हुआ था, तब भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसे पाकिस्तान ने नकारा था, लेकिन भारत ने उसे अपनी एक बड़ी कामयाबी तब बताया था। और अब एक बार फिर से बालाकोट के आतंकी कैंपों में आतंकवादी क्या कुछ कर रहे हैं आप साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के जवाब का या भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।